रहा और रब ही शागिर्दों के देखे आप यानी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक वो बुजुर्ग रहे कि इमाम बुखारी के दादा हदीसों में पर दादा होता कितनी हदीस है मोहम्मद मुसलमान हर दर्शना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हर दर्शना मोहम्मद इब्ने मुकादिम इस तरह की कितनी हदीसें बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक दर्ज की और वो सब में कहीं पर उस्ताद कहीं पर दादा होता किसी तरह से ये वो अब्दुल्लाह बड़े बुजुर्ग आलीशान इमाम आदम रज़ियल्लाहु ताला के बहुत ही बाकमाल जिन पर दुनिया बेदारी और रूहानियत का गलबा इतना था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो कि देहरादून में इमाम सालिक कहलाते हैं इमाम आदम अव्वल इमाम अबू यूसुफ सानी और इमाम मोहम्मद सालिक कहलाते हैं वो जब उनके पास जाते अर्ज करते है या सैयदी दाऊद सानी बड़ा मसला की तरह तो वो फौरन जवाब देते थे दाऊद पाई बहुत बड़े मुहदीस भी और बहुत बड़े व्यक्ति मगर आप पर तसव्वुफ और रूहानियत का इतना गलबा था कि जब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मसला पूछने के बाद उसमें कुछ दलाइल वगैरह की और एतराजात की राहें निकाल के मसला बता दिया अल्लाह इतना वक्त अपना बताते थे एक मरतबा से कितना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक थे मिलने के लिए हजरत अबू दाऊद पाई आए बैठे थे गुफ्तगु हो रही थी घर के अंदर छत का कुछ हिस्सा वहां बैठक में से दरवाजे के जरिए नजर आ रहा था दरवाजा खुला था कुछ देर के बाद इमाम अबू दाऊद ताई कहते थे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तुम्हारे घर की बाटियां बहुत बदतमीज हैं क्या हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे करके बुला रहे तुम्हारी घर की लौंडियां मुझे इस तरह से इशारा कर करके बुला रहे इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अपने शागिर्दों से फरमाते हैं फौरन कफन दफन का इंतजाम करो तो करो और ये तलबा गए कफन वगैरह का इंतजाम करने और इधर हजरत अबू दाऊद ताई की रूह परवान तो लोगों ने कहा ये क्या बात है कहा कि मैंने मेरे घर में एक बाधी भी नहीं है और वो बाधियां जो बुला रहे थे वो मेरी कोई बाधी नहीं थी वो उड़ाने बैठ गई इसलिए मैंने समझ लिया कि अब इनकी रुपा का वक्त नहीं
तो मैंने कफन कफन की इंतजाम के लिए कहा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग से गिदरा इमाम आजम के संगीतों के किनारे, लोग समझते हैं कि इमाम आजम और या ये अहले कश्म में से नहीं है। इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी शाफई अपनी किताब निजामुल शरीयती कुबरा लिखते हैं के लोग अबू हनीफा पर इस कौल में एतराज करते हैं कि उन्होंने कहा कि वुजू का जो पानी गिरता है वो नापाक है, ये गलत कहते हैं। और एक रिवायत इमाम ने आकर की ये है कि वो पाक है मगर मुतहर नहीं है, नहीं उससे दोबारा वो नहीं हो सकता। तो ये यही इसी पर फतवा है और इसी का एतबार है इमाम आजम के। तो कहते हैं कि लोग अबू हनीफा पर ये एतराज करते हैं कि वुजू का पानी कैसे इन्हें इन्होंने वुजू से करने के बाद गिरता हुआ पानी को कैसे नापाक कह दिया और उनको कुछ समझ में आता नहीं। लोगों इमाम अबू हनीफा अपनी मस्जिद में दर्श दिया करते थे, दर्श के दरमियान उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो वुजू कर रहा था। फारिग हुआ वुजू से तो उसको बुलाया, क्यों नालायक तू अपनी माँ के साथ जातियां क्यों करता है? नहीं नहीं मैं तो बड़ी हिम्मत करता हूँ, जिसे वाले की हरीफों पर अमल करता पर झूठा, तेरे वुजू का पानी गिर रहा था उसमें कुल वालिदैन नजर आ रहे। फिर लिखते हैं कि एक आदमी आपकी मस्जिद के किनारे वुजू खाने में वुजू कर रहा था, वुजू करके वालिद हुआ पर मैं जरा क्या मैं तुझे जेल भेजू दूर मैंने क्या किया तौबा कर नहीं किस बात की तौबा मैं कर रहा है तेरे वुजू के पानी में मैं देख रहा हूं कि कपट चोरी का गुनाह बच रहा है, तू लोगों का कपट करके कपड़ों पे ले लेता है, क्या इस पर तुझे जेल खाने का और तेरे ऊपर मुकदमा न फाइल किया गया? वो कांपने लगा और उसने फौरन तौबा कि ये फरमाते हजरत शेख अब्दुल्लाह चालानी रहमतुल्लाह अलैह, इससे मालूम होता है इमाम अबू हनीफा सिर्फ मुफ्ती ही नहीं, इमाम अबू हनीफा सिर्फ फिक्र के माहिर नहीं बल्कि वो निगाहे कश करने आया, इसलिए उनके तीन कौल मिलते हैं, नजाजत गलीजा है, नजाजत खतीफा है और गैर मुताहिर ताहिर गैर मुताहिर, फतवा इसी चीज से कौन कर ताहिर गैर मुताहिर क्यों कहा? इसलिए कहा बेगुनाह को जब वजू करते हैं तो हदीस शरीफ में फरमाया आदमी जब वजू करता है उसके गुनाह उसके चेहरे से
इतना खुश है कि आपकी पलकों की जड़ों के भी वो गुना करते हैं, यहां तक वो मुंह धोने में जो आखिरी कतरा निकलता उससे भी निकल जाए। फरमाते हैं रसूल पाक जब कहना करता है तो उसके चेहरे के सारे गुना, फिर जब हाथ उठता है तो हाथ से जितने गुना वो सब कुछ मिल जाते, फिर जब फसा करता है तो बुरे ख्याल कुछ हार देता है, फिर क्या कहते हैं, और जब पांव धोता है तो जब उसे मेहनत गुनाहों से पाक मगर वजू तो करो, इस नियत का वजू करो, पैर उठाओ। इसलिए इमाम आजम ने तीन फतवे दिए। एक फतवा दिया कि नंबरी पदमाज और गुनाह कर दिया कि आदि पुरसके उनके वजू का मुताला ना पा और गुनाह सजिया करने वाले ना बिना और होता जो गुरु का पानी होता है तो गैर होता होता ये इस तरीके से इमाम के तीनों कौन किए हैं, मगर असल में उन अखबार पर फतवा क्यों नहीं लोगों में बदगुमानियां और लोगों में यह है कि तकलीफ भाला जुटा कि जब गुरु करेगा अपनी बिचारत अपने पास रखिए
मुझे मार चाहिए बार बार, ऐसे वो बोला। सरकार का तेरे बाप सुर्ख हो गया। अब मूसा अच्छे से कहते हैं कि मुझे और बिलाल दोनों उसी वक्त पहुंचे थे। फरमाया कि अक्षरा इस रकल दूसरा, मेरी विचारत इसने रद्द कर दी है, तो दोनों कबूल कर लो। हम लोगों ने कहा कभी ना कबूल किया। फरमाया जाओ, एक प्याले में थोड़ा सा पानी ला, समझ रहे हैं, प्याले में पानी ला। रसूल पाक ने उसने हाथ फिर उसी में से पानी लिया और ध्यान मुबारक में डालकर खूब चक्कर दिया, उसी प्याले में उसको खुली फरमाया, फिर निकाला उसी में से चेहरा पाया और चेहरा निचोड़ कर फिर उसी प्याले में दाखिल कर दिया। फिर फरमाया इशरबा मिन्हु वअफ़रिगा अला वुजूहिकुमा वफ़ुदूरिकुमा, तुम दोनों के पानी से कुछ पी लो और कुछ चेहरे और सीने पर मालो। उम्मुल मोमिनीन सैयदतना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शराब में थी, देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्या बरकात नसीब हो रहे हैं। ये देखा तो वहीं से तुरंत आवाज में कहा वो अब ख्याल उम्मे कुमा, अपनी माँ के लिए भी थोड़ा बचा लेना, क्योंकि सारी दुनिया के औरतें अपने शौहरों के झूठे की कोई तकलीफ नहीं करते, मगर जरा सोचो कि ये कौन सी बात थी कि उम्र मोमी ने यह कहा था। वो जानती थी कि बार हालात में हाथ आए कायनाथ वो चीजें अता फरमाते हैं जिसकी मिसाल कायनाथ उनको ये दिल इसलिए उन्होंने ये भी कहा मेरे पापा, तो ये मेरे आका का ये वुजू का ये वुजू का धोवन या हाथ पांव का धोवन सारे ग्राम जो पी रहे हैं ये खाम खा नहीं पी रहे बरकतों का खाना। तो हम यह ग्राम के गुजा रहे वुजू की शान और यह इकरार के उतारे की शान अलग और आमतुल मुस्लिमीन का अलग और गुनाहगारों का अलग, इसलिए सब हिस्सा अलग अलग पूरा करो। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए ये हुक्म दिया है उलमा इकराम की जुबान पर फुकहा इकराम की तबीहात में कि अपने वुजू का पानी जो तुम्हारे हाथ पर है मस्जिद में न टपकाया करो, न मालूम किसका पाक है किसका नापाक है और किसका नजाकत है खबीसा किसका खलीजा और किसका वो के पाक तो है मगर नापसंदीदा बाबू। इसलिए सब इस चीज से प्रेरित हो। मेरे छह हुजूर सरकार को किया बड़ा कर्म फरमाती थी, मैंने दर मान जमाने ताल में गिर दी मुफ्ती शरीफ अल्लाह साहब वहां पर पढ़ाते थे, उनके पास एक जवाही पोस्ट कार्ड पर एक अन्नदा लिखकर देना
میرے پڑھنے کی تعلیم کی زمانے کی بات ہے کہ حضور مفتی اعظم سے میرے لیے قصیدہ غوثیہ شریف کے پڑھنے کی اجازت بھیجوا تھا. تو وہ پوسٹ کارڈ جوابی تھا, اب اس کو الٹا کر دیا, یعنی واپس آنے والا سامنے ہو گیا اور جانے والا وہ اندر کر دیا. اس طرح اس پر لکھا سرکار نے اپنے قلم پاک سے, میں حقیقی مولوی ضیاء المصطفیٰ سلم و کو اجازت دیتا ہوں قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنے, قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنے, قصیدہ دلائل الخیرات حزب البحر اور کچھ اور دعاؤں پڑھنے کی, جن سب کی میں ان کو اجازت دیتا. یا اللہ کرم کا دربار دے دی, تو مانگا ایک یا دس, یہ اس کو کہتے ہیں سنت پر عمل کرنے کا. کیا میرے آقا کی سنت یہ ہے میرے کریم سے کر سنت پر عمل کرنا ان کی زندگی کا اصل منصوبہ تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سنتوں کا اگر مشقت کوئی فتویٰ دیکھنا ہے سرکار نے کیا تھا. سبحان اللہ وہ کتاب فتویٰ بھی ہیں کتاب تقویٰ بھی, اور ان کی ولایت میں جو شک کرے وہ بہت محروم اور نالائق, جس کی ولایت کو حضرت نوری میاں خود بیان کریں, اعلی حضرت جنہوں نے زندگی میں کسی فتوے میں بھی غلط نہیں, وہ جب ولایت کی طرح دے رہے ہیں تو اگر نہیں دیجیے تو ہو گئے, سمجھا؟ تو یہ سرکار کو کیا بچپن ہے, یہ سمجھ گئے. چھ مہینے بعد جب نوری میاں تشریف لائے تو آپ کو اپنے ہاتھ درجے مبارک کو سر مفتی اعظم کے سر مبارک پر اور اپنے ہاتھ میں لے کر ایک اس طرح مرید کیا, مرید کیا کہ میں نے بھی بچے کو داخلی سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ پر ادا کیا, احمدیہ کیا, چولہا کیا, یعنی حضرت آل رسول احمد رضی اللہ تعالی. تو میں نے ان کو داخل ہو گیا, اتنے ہی پر بات نہیں کی, میں تمام خرابی جن کی اجازت مجھے میرے مشاہد کے لیے حاصل ہے سب کی میں اجازت کی فرد کو دیتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک مترجمے میں کہا کہ نابالغ کو خلافت دینا جائے کس کتاب میں نہ جائے, کس کتاب میں نہ جائے, اگر نابالغ کو دینی کتاب دینی مسائل پڑھنا نہ جائے تو سارے مدرسے نابالغوں کی عزت بند کر اور رحمت کا چشمہ نابالغوں کے لیے پہلے اور بڑوں کے لیے بھی. تو اس لیے بھی عبداللہ کے ابا رضی اللہ عنہ نابالغ اور فرماتے ہیں
یہ وقت ناحت اطلاع میں مینا میں پہنچا, رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے اور میں بندوق کے قریب تھا. میں نے اپنی گدھی کو صفوں کے سامنے چھوڑ دیا اور میں پیچھے جا کر بچوں کی صف میں میں نے نماز پڑھی. سمجھ میں آیا اس حدیث کو؟ اب یہ حدیث جب انہوں نے بالغ ہونے کے بعد بتائی تو یہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو گئی کہ ان سے مسائل کرنے کے بعد سمجھ گئے. بچپن میں نہیں, بچپن میں کتنا ہی فتویٰ پڑھ لو مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر زکات فرض ہے, تیرے اوپر نماز فرض ہے. یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ مفتی بننا بالغ ہونے کے بعد, مفتی آگے ہوتا ہے تو حکومت بالغ کو دی جاتی ہے اللہ کی حکومت میں. تو اس لیے حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت کی بالکل صحیح ہے, مگر غلط ہوتا کہ یہ اپنے بچپن میں لوگوں کو مرید کرتی. الحمدللہ میرے سرکار نے اپنے بچپن میں 10 سال 12 سال 13 سال کی عمر میں کسی کو مرید نہ کیا. مرید اس وقت کیا جب آپ زبردست آئے, جب زبردست پانی ملتا ہوئے, جب فقیر ہو گئے تب مرید کیا گیا لوگوں. اور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اعلی حضرت کے علاوہ کسی کے مرید ہونا ہوتا تو سرکار مفتی اعظم سے مرید ہو جاتا. اعلی حضرت نے میرے ماں باپ کے ماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور دین کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے دور سے آئے ہوئے لوگوں کو بیعت کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایسے لوگوں کو آپ میری طرف سے بیعت کر دیا کریں, آپ میرے وکیلے بیعت کریں. یہ وکیلے بیعت سرکار مفتی اعظم نے بھی فرمایا کہ بیعت کی وکالت صرف اور صرف حضرت صدر شریعہ کو اپنے ساتھ درکان کو مستقل پیر بنا کر اور ان کو اعلی حضرت کی طرف سے بیعت کا اختیار. یہ آئے گا تو یہ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مولانا ایک مرتبہ میں نے گھر سے نکال دیا تھا, ان کے پوتا مریدین نے میرے اوپر بہت کیچڑ اٹھائی مگر حقیقت یہ ہے. اور منصور علی خان کا مولانا منصور علی خان کے والد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا مولانا بہرحال حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے بہت غور سے دیکھا. مولوی بلا بڑی آسانی سے مرید نہیں ہوتا ہے,
कुछ बोलती है कि फैसला किया है पूरी हो जाती मगर मेरे जैसा बोल भी फैसे नहीं हुई हर तरह जिससे बड़ी होने की खाई की उसके ऐप तलाश करता है कि इनमें क्या क्या ऐप है अगर ऐप नजर आए तो बोल भी किस तरह बड़ी होता है मगर अब आपको दिल कराना चाहिए चाहे उसको बताई तो वही दे मगर आलिम शरीयत देता है और शरीयत ही को वो अक्ल कराना चाहता है और उसके बाद ने फरमाया कि करामतुल बनी के ऐसे पूना खौल वो फेल हुकुम मुदा के तन है खौल लिखी वो फेल लिखी सल्लल्लाहु वली की करामत यह है कि उनका हर अमल नबी पाक के अमल के मुताबिक हो हर बात हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो इसलिए बड़े हफे दिले अंदाज में अब सुनिए अपना वाकया चुटकियों में फतवा लिखने की इस नियत से बरेली में चला जाता कि मैं फतवा लिखूंगा और हुजूर सरकार की आदत से तस्दीक मिल जाएगी तो ये बड़ा अफसोस होता है आप कि वो फतवे पर तस्दीक फरमाते और कभी बहुत लंबी लंबी इबारतें भी लिखते और मैंने वो सब मुस्तफी लोगों को दे दिए आजकल ये बड़ा अफसोस होता है नकल करके मैं उन लोगों को मुस्तफी को देता और वो बनाना मेरे पास होता कर देता मगर उस वक्त अकल में नहीं आज अकल आई कतरे कतरे में हर बार जमा यही होता बड़ा मैंने मुफ्ती आजम को बहुत गहराई से मुताला किया और मैंने हर तरह का कमाल का सर चश्मा उन्हें देखा फिर जब मेरी नजर हजरत अल्लामा सिद्दीक़ रज़ा खान साहब अरे चश्मा पर पड़ी मैंने देखा इनका उठना बैठना बोलने का अंदाज सब सरकार मुफ्ती आजम का मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार मुफ्ती आजम को वो कुव्वत अता फरमाई क्या बताऊं क्या बताऊं मुझ पे क्या क्या बताऊं मुझ पे क्या नेमत है भीड़ की मेरी सूरत की नजर आती है जिद्दत की तो ये कैसे अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सरकार के आदम की रहमतों का और उनके फिजूल बरकात का बड़ा नेता था और हुजूर अमीन मिल्लत की खबरों पर कब्र पाक पर भी खूब रहमत की बात है हम सब को या अल्लाह इन बुजुर्गों के चलते में गुनाहों से पाक बना माफ़रत बना माफ़रत का फरमा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम